गुड मॉर्निंग दोस्तों. सो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, आई थिंक आप लोगों को काफ़ी क्लियर है वो पॉइंट. अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल और कमेंट कर सकते हैं. आज हम उसी टॉपिक के कंटिन्यूटी में नेक्स्ट टॉपिक बात कर नॉट नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक आपको बोलता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं. तो उसमें दे रखा है सबसे पहला पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीअरेंज करना होगा. ये रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ आइटम्स टू बी पुट. मतलब सबसे पहले आपको अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप एनालिसिस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, किस पर्पस से कर रहे हो. फाइनेंशियल पर्पस से, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से, और आपकी एफिशिएंसी के पर्पस से. क्या रीजन है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हो, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, क्या रीजन है. उस रीजन को फाइंड आउट करने के बाद आप सबसे पहला काम करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिस रीजन के हिसाब से आपको कंपैरिजन करना है उस ऑर्डर में आप अपने आप को क्या करोगे, अरेंज करोगे. उस अरेंजमेंट को कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब आपका रीअरेंजमेंट हो जाएगा तब आप क्या करना काम शुरू करेंगे, कंपैरिजन करना शुरू करेंगे. जो भी कंपैरिजन आपने किया उस कंपैरिजन का फाइनल कंक्लूजन देखो, फ्लो देखेंगे क्लियरली. रीअरेंजमेंट होने के बाद में ही कंपैरिजन होगा क्योंकि ये प्रोसेस है, इसमें एक भी स्टेप स्किप नहीं होता है. तो रीअरेंजमेंट होने के बाद में ही आपका कंपैरिजन होगा. कंपैरिजन होने के जस्ट बाद में आप क्या करोगे, उस कंपैरिजन का रिजल्ट निकालोगे यानी एनालिसिस. उस एनालिसिस में आपका आएगा क्या ये प्रॉफिट के पर्पस से था, क्या ये सॉल्वेंसी के पर्पस से था, क्या ये लिक्विडिटी के पर्पस से था. अगर आपके तीनों पर्पस थे तो क्या वो पर्पस है, उनको क्लियरली मेंशन करो. क्या वेरिएशन से, उनको क्लियरली मेंशन करो. ये कहलाता है आपका एनालिसिस. तो कंपैरिजन के बेसिस पे एनालिसिस होगा, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं. ऑब्वियस है, इंटरकनेक्टेड है. रीअरेंजमेंट के बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन के बाद एनालिसिस, और एनालिसिस होने के जस्ट बाद में आप अपना फाइनल इंटरप्रिटेशन देंगे. ठीक है, और इंटरप्रिटेशन में क्या लिखा है, शुड बी प्रिसाइज एंड डायरेक्ट. मतलब साफ साफ बातें लिखी होनी चाहिए कि भाई क्यों किया, किस लिए किया, जो पर्पस था वो सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो एकदम प्रिसाइज फॉर्म में और एकदम डायरेक्ट डिसीजन देने वाला आपका प्रोसेस होना चाहिए. तो ये आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करना जाएंगे. अब कई बार क्वेश्चन उठता है कि सर क्या पर्पस है, क्यों करें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस. तो उसमें बोल रहे हैं assessing the earning capacity or a profitability. कंपनी की क्या अर्निंग कैपेसिटी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी है, उसको साफ साफ बताना. अर्निंग ऑब्वियस है, आपको इन टर्म्स ऑफ रुपीज मैंने दिखाया है. ठीक है, क्या अर्निंग कैपेसिटी है और क्या प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. तो वो दोनों फाइंड आउट करना. उसके बाद में आप क्या डिस्कशन करेंगे, सॉरी मैं क्लियर करता हूं. अर्निंग है और प्रॉफिटेबिलिटी मींस सेम सेगमेंट हो गया. ठीक है, अर्निंग एंड नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी है. तो आपकी अर्निंग क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करेगा. देन आफ्टर एसेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजर की एफिशिएंसी क्या है, किस लेवल की है, उसके बारे में बात करना. क्या हम इम्प्रूव्ड हुए, डिक्लाइन हुए, मैनेजमेंट के डिसीजंस कंपनी के लिए कितने इफेक्टिव है, वो सब इन एनालिसिस के बेसिस पे सामने आता है. और पार्ट ऑफ दैट एसेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ एंटरप्राइजेस. मतलब ऑब्वियस है, हम इतनी देर से फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कितना हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट है, कितना हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट है. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट मतलब लोगों को पैसा देने में कितने केपेबल है, टाइमली बेसिस पे पेमेंट्स हो रहे हैं. लॉन्ग टर्म जो लोन्स ले रखे हैं उनकी किस्त, उनका प्रिंसिपल, उनका इंटरेस्ट हम टाइमली रीपे कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं. इंटर फर्म कंपैरिजन हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. फिर उसके बाद में दे रखा है फोरकास्टिंग एंड प्री प्लानिंग बजट. ऑब्वियस है, फोरकास्टिंग मतलब आगे की भविष्य की नीतियां बनाना, भविष्य के बारे में या फ्यूचर की प्लानिंग करना, उसको हम लोग कहते हैं फोरकास्टिंग. और प्रिपेयरिंग द बजट, जो भी बजट हम नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट लेवल पे बनाना चाहते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडेबल, तो बोलता है कि सीधी सीधी सी बात है, ये एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग और साफ एक्सप्लेनेशन देता है ताकि हर किसी को क्लियर ट्रांसपेरेंट पिक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मिल सके. ठीक है,
अब उसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि क्या यूजेस होते हैं. तो यूजेस ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब ये फाइनेंशियल एनालिसिस करने का यूज क्या हुआ. अच्छा, पहला जो था वो पर्पस था. पर्पस और यूज दोनों अलग अलग चीज हो. पर्पस अलग हो गया, यूज अलग हो गया. तो यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेप्ट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिविडेंड डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल बिजनेस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से. साफ क्लियर हो रहा है सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाह रहे हैं हम, कितना क्रेडिट, कितना डेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना जनरल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे जा रहे हैं, वो सब चीजें हमको कौन बताता है, फाइनेंशियल एनालिसिस बता देता है कि हम किस सेगमेंट में कैसे बूस्ट कर रहे हैं या कहीं कहां किस तरह से डिक्लाइन कर रहे हैं. अब अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो प्रीवियस चैप्टर वाली ही लिमिटेशंस यहां पर रिपीट है. इसमें दे रखा है हॉरिजॉन्टल हिस्टोरिकल एनालिसिस हो रहा है, इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज, सेम पॉइंट है. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर क्योंकि क्वालिटी को कंसिडर्ड ही नहीं गया है. उसके बाद में दे रखा है सफर फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, खुद के पर्सनल बेनिफिट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. विंडो ड्रेसिंग्स को दे रखा है. वेरिएशंस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर मान लो किसी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं खुद का खुद से या किसी दूसरी कंपनी से भी, बट अगर ऐसा हो रहा है कि हमने खुद का खुद से कंपेरिजन किया पर प्रीवियस ईयर में अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग थी, इस साल में अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग है, तो ये एनालिसिस आपका अच्छा और फ्रूटफुल नहीं होगा, वो पूरा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है. उसके अलावा जैसे कि मैं पहले कैश बेसिस पे था, अब एक्रुअल में आ गया, इस जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. तो बहुत सारी रूल्स चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं, तो उस केस में ये वेरिएशन, ये एनालिसिस फ्रूटफुल नहीं होगा. उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो मैं एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी एसएलएम मेथड फॉलो कर रही है डेप्रिसिएशन के लिए, पर दूसरी कंपनी डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर रही है, तो उस केसेस में आप उन दोनों कंपनी का एनालिसिस और कंपैरिजन कर भी रहे हैं, तो वो कंपैरिजन अच्छा है, कंपैरिजन नहीं होगा, फ्रूटफुल कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि वो सामने ही दिख रहा है, वो एनालिसिस एक मतलब फ्रूटफुल एनालिसिस नहीं बन के आएगा. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक जिसमें बोला गया है पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में. तो बोल रहे हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन हो गया, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बैंकर्स एंड लेंडर्स, जिनको ये जानना है किस लिमिट तक एक कंपनी को क्रेडिट देना है, लोन देना है, किस तरह की फैसिलिटीज देनी है. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक बैंक्स के लिए, ताकि बैंक्स के वो भी सॉल्वेंसी को देखते हुए ही सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करे. तो एक कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करता है तो इन लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो जाती है, क्योंकि इनके सामने सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी सब सामने होती है. रिसर्चर्स को साफ पता चलता है कि कंपनी का डायरेक्शन क्या है और कंपनी का रिसर्च एरिया क्या होना चाहिए. टैक्स अथॉरिटीज को साफ पता चले कि जितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है उसके प्रोपोर्शन में जितनी टैक्स लायबिलिटीज, जितनी टैक्स ऑब्लिगेशंस बन रही है, क्या कंपनी उनको टाइम पे कर रही है या नहीं कर रही है. अच्छा, ग्रोथ हो रही है तो किस सेगमेंट में उनके टैक्स में ग्रोथ हो रही है, या किस तरह का रिलैक्सेशन कंपनी ले रही है, क्या रिलैक्सेशन कंपनीज के लिए अवेलेबल है, वो सारी चीजें यहां पे क्लियर होती है. सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, जिनको ये साफ पता चले कि कंपनी को किस लिमिट तक उधार देना है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपके सामने कोई भी हॉकर या वेंडर आता है और बोलता है कि सर मुझे उधार चाहिए, या आपका मतलब स्वीपर जो भी है वो बोलता है कि मुझे सर आपसे लेंडिंग चाहिए. अब वो लेंडिंग का अमाउंट आपसे ऐसा सामने रख देता है जो आपको पता है कि वो उस लिमिट का नहीं है, या उसकी वो उतनी रेंज नहीं है कि हम उसको सामने उस लोन फैसिलिटी को दें. तो अगर मान लो एकदम से आपके सामने आपका हॉकर वो ये बोलता है कि सर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो क्या आप लोग उनको दे देंगे? नहीं. तो आप, या मुझे 10 लाख का माल दिलवा दीजिए, मैं माल बेच के आपको पैसे वापस दे दूंगा. क्या आप जानते नहीं हो उसकी लिमिट, क्या उसकी रेंज आप जानते नहीं हो? जानते हो, तो आप उसको 10 लाख रुपए देंगे नहीं देंगे. उसी तरह से सप्लायर्स और क्रेडिटर्स के सामने भी साफ हो जाता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बेसिस पे कि कंपनी को किस रेंज तक उधार देना है और किस रेंज तक उधार नहीं देना है. ये साफ क्लियर पिक्चर इनके सामने आती है. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अभी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करके बैठे हैं, बट वो इस
मौके में है कि वो कंपनी के अंदर एंटर हो, वो इन्वेस्टर बने, तो वो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही डिसीजन लेते हैं। आज अगर मुझे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे एक्स कंपनी चाहे वाई कंपनी, मैं उसका पूरा बैकअप देखूंगा, उसका डाटा देखूंगा, उसकी ग्रोथ देखूंगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखूंगा, और उस प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के बाद मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्योंकि मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं मतलब कि मैं मेरा मैक्सिमम रिटर्न मांगूंगा, और एक कंपनी मैक्सिमम रिटर्न तभी देगी जब उसकी फाइनेंशियल पोजिशन और फाइनेंशियल एनालिसिस बड़ा साफ सुथरा और स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। शेयर होल्डर को अपनी खुद की अर्निंग भी देखनी होती है, शेयर होल्डर्स और ओनर और इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं, इन सबको अपनी ईपीएस देखनी है, अपनी ग्रोथ देखनी है, क्या कंपनी ने उनको कमा के दिया है या नहीं दिया है। तो वो सब किससे पता चलेगा इनको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से, कि भाई पिछली बार मेरा जो पर शेयर का प्रॉफिट था वो 2 रुपया था, पर इस बार कंपनी ने अच्छा कमाया, मेरा पर शेयर का प्रॉफिट 4 रुपया हो गया या 5 रुपया हो गया, या नहीं कमाया तो मेरा कम हो गया। तो ये सब पिक्चर कहां से सामने आएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से सामने आएगी। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पे बात करूं, तो इसी पार्टी के अंदर बोला गया है कि एक पार्टी है कौन? मैनेजमेंट, क्योंकि उसको डिसीजन देने हैं भाई, उसको डिसीजन देने हैं कि मेरा कंपनी जो जा रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिस पे क्या पॉजिटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव जा रहा है तो उसको और पॉजिटिव कैसे कर सके, क्योंकि आपको भी पता है इंप्रूवमेंट के चांसेस हमेशा होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि देयर इज नो रूम फॉर द इंप्रूवमेंट, तो कंपनी मैनेजमेंट हमेशा अपना इंप्रूवमेंट देखेगी, बट लूज पॉइंट, इंटरनल वीकनेस, बहुत सारे दूसरे सेगमेंट्स भी होते हैं, तो उनको देखते हुए मैनेजमेंट उनकी इंप्रूवमेंट को, उनसे रिलेटेड डिसीजंस को कैसे लेगी, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बेसिस पे लेगी। अ पार्ट ऑफ दैट एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस, ऑब्वियस है एम्प्लॉयज अपना बेनिफिट देखेंगे, क्या हमको इंक्रीमेंट मिलेगा, कंपनी कमाएगी तो इंक्रीमेंट देगी ना रे दादा, तो कंपनी कमाएगी या नहीं कमा रही है, या उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, एम्प्लॉयज उसको कैसे चेक करेंगे, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बेसिस पे देख के चेक करेंगे, और दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि व्हाट इज द पोजीशन और व्हाट इज द एनालिसिस रिजल्ट। अपार्ट ऑफ दैट ट्रेड यूनियंस आर आल्सो सिमिलर, वो भी ये देखना चाहेंगे कि ट्रेड की कैपेसिटीज कितनी इफेक्टिव हुई है मैनेजमेंट की, कितनी इफेक्टिव हुई कंपनी की। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर अबाउट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर इतना ही है। गो विद द चैप्टर फ्रॉम इधर फ्रॉम द टीएस गरेवाल और फ्रॉम द एनसीईआरटी एज पर योर चॉइस, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन मेल मी आउट और कमेंट मी आउट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू नो वॉट यू हैव टू डू। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वंडरफुल डे।